27 जून को यूपी के सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ। उनकी कार पर ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग की गई और गोली उन्हें छूकर निकल गई। इस हमले के बाद चंद्रशेखर को देवबंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चंद्रशेखर को दोबारा से जान से मारने की धमकी दी गई है और धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमले के मामले में पुलिस ने अमेठी से विमलेश सिंह नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। चंद्रशेखर पर हमले से पहले विमलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जान से मारने की धमकी दी थी और फिर हमले में बचने के बाद आरोपी ने पोस्ट कर कहा, दोबारा नहीं बचेगा चंद्रशेखर। पुलिस आरोपी युवक से अभी पूछताछ कर रही है। इस धमकी भरे पोस्ट को लेकर जब चंद्रशेखर से सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि मैं गोलियों से डरता नहीं हूँ। देखो, मैं गोली से डरता नहीं, मैं गोली से बंदूकों से नहीं डरता हूँ, मैं संवैधानिक रास्ते से चलता हूँ, संविधान को मानता हूँ। गोली चलाने वाले को भी कहना चाहता हूँ, कुदरत उनको सद्बुद्धि दे, गलत जगह पंगा ले रहे हैं। मैं झगड़ा नहीं चाहता, मैं अपने लोगों को भी ये कह रहा हूँ, कल से शांति बनाओ को और संविधान के रास्ते चलो। वो हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि जो हम सत्ता राजनीतिक ताकत हमारी बन रही हो कमज़ोर हो जाए, हम दूसरी दिशा चले जाएं। लेकिन ये भी एक अटल अटूट सत्य है कि हम संविधान के जरिए जवाब देना जानते हैं। भीम आर्मी चीफ हमले के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए और उन्होंने बाहर आते ही सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपराधियों को बचा रहे हैं। सरकार की घोर लापरवाही है और मुख्यमंत्री का बिल्कुल ना बोलना और बड़े बड़े दावे करना और इस घटना में ना बोलना स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री सत्ता को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और उनके संरक्षण में अपराधी पल रहे हैं और ये कानून व्यवस्था के लिए, लोगों के कानून के प्रति विश्वास के लिए बड़ा खतरनाक है। हमले के बाद पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक चंद्रशेखर से मिलने अस्पताल पहुंचे और अपराधियों को पकड़ने की अपील की। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि जब जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चल रहा था, तब उनके समर्थन में चंद्रशेखर वहाँ पहुँचे थे। चंद्रशेखर पर देवबंद में हमला हुआ था, जिसके बाद उस हाईवे पर अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस की कार्रवाई में सामने आया है कि चंद्रशेखर पर हमला करने वाले कार सवारों में 2 लोगों ने फायरिंग की और 1 कार चला रहा था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।